देश है हरियाणा की बड़ी खबरें। जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई दिग्विजय चौटाला की शादी की रस्में शुरू हो गई है। गुरुवार को जहां एक ओर बात का कार्यक्रम हुआ, वहीं दूसरी ओर अन्य रस्में भी शुरू हो गई हैं। शुक्रवार को सिरसा के जीटीएम ग्राउंड में भव्य प्रतिभोज का कार्यक्रम होगा। इसमें हरियाणा, पंजाब और राजस्थान सहित अन्य राज्यों से मेहमान शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के लिए करीब 60,000 लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की गई है। गुरुवार को सिरसा स्थित चौटाला हाउस में कार्यक्रम शुरू हो गए। परिवार के सदस्य और मेहमान आने शुरू हो गए हैं। अभिनेता एवं डायरेक्टर सतीश कौशिक का हिसार से भी गहरा नाता रहा है। उनके निधन पर कलाकारों में शोक की लहर दौड़ गई। वरिष्ठ साहित्यकार कमलेश भारती ने बताया कि हरियाणवी फिल्म छोरियां छोरों से कम नहीं है के प्रीमियर शो में सतीश कौशिक हिसार के सनसिटी मॉल में आए थे। इस फिल्म के वह प्रोड्यूसर थे। इतना ही नहीं, इस फिल्म में सतीश कौशिक ने हीरोइन के पापा का रोल निभाया था, मगर आज उनके निधन की खबर सुनकर हर कोई हैरान है। करनाल में सिविल लाइन थाना के एसएचओ पर नाकाबंदी के दौरान गाड़ी चढ़ाकर मारने की कोशिश की गई। पुलिस ने इस मामले में 3 युवकों को हिरासत में लिया है। मेडिकल कराने के बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। दरअसल सिविल लाइन थाना प्रभारी ललित कुमार अम्बेडकर चौक पर नाकाबंदी के दौरान वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान गांधी चौक की तरफ से एक तेज रफ्तार ऑल्टो कार आई। एसएचओ ललित कुमार ने गाड़ी चालक को रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने गाड़ी को नहीं रोका और एसएचओ की तरफ ही गाड़ी को घुमा दिया और गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। पानीपत के गांव डिडवाड़ी में कहासुनी में 3 युवकों के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। युवकों के साथ घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब वह होली पर अपने दूसरे दोस्तों से मिलने गए हुए थे। सोनीपत के गन्नौर में बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया। बीएसटी रोड पर एक ई रिक्शा को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। इसमें 2 व्यक्तियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक अन्य को गंभीर चोटें आई हैं। मृतकों की पहचान राजू और अशोक कुमार के तौर पर हुई है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।